back to my channel. This is Shitish Mahajan from Abstract Dunya. और हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल. तो ये देखिए हमारे सामने कौन आया. बम जड़ांग. तो ये है हमारा नया अल्फा A7 III, जिसे लोग कहते हैं अल्फा A7 Mark III भी. तो हम आज इसका लेकर आए हैं NTSC एंड PAL मोड. तो आप वो कैसे सेट करेंगे आज हम आपको ये बताएंगे कि आप इस पे NTSC और PAL मोड कौन सा सेट करेंगे और आपको कौन सा सेट करना चाहिए. तो हमारा NTSC एंड PAL मोड हमें मिलेगा. ये हमारा ब्रीफ केस आ गया है और अब यहाँ पे हमारा मिलेगा हमें. ओप्स सॉरी, वापस इधर आते हैं. एंड ये रहा हमारा NTSC एंड PAL सेलेक्टर. तो NTSC एंड PAL अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि जब आप अगर आपका कैमरा NTSC में है और अगर आप उसको PAL में सेलेक्ट कर रहे हैं तो उससे ये होगा कि जो भी आपके कैमरे में बैकअप है वो सारा ये रीसेट करेगा, तो सारा डाटा उड़ जाएगा. तो आपसे सजेशन यही रहेगा कि पहले आप अपना सारा का सारा डाटा किसी दूसरे सेफ फाइल में सेव कर लें और फिर उसके बाद जो है मतलब सेव कर लें और उसके बाद जो है इसको NTSC से PAL में करिए या फिर PAL से NTSC में करिए. और बेसिकली इंडिया में मोस्टली PAL ही यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे जो बिजली की गति है वो 50 कुछ तो था. 50 क्या था भाई, हैं कोई बताएगा मुझे? किसी को नहीं बताना, मुझे बताए. पर वो 50 Hz से जो है ऐसे इलेक्ट्रिसिटी साइकिल पे या फिर ट्रेन पे या फिर बस पे किसी पे भी दौड़ती है और जिससे जो है हम लोग को लाइट में ज़्यादा जो है जिकली जिकली पिकली पिकली वाला इफेक्ट नहीं देखता है, वरना तो डिस्को दीवानी करती है लाइट. तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा जब आप नया कैमरा परचेज करें तो इस पे ज़रूर ध्यान दें कि वो आपका NTSC में ना हो और वो PAL में हो. कहाँ गया वीडियो में. तो जैसे हमने सेलेक्ट किया HD तो यहाँ पे हमें जो रिकॉर्ड सेटिंग्स दिखा रही है हमारा वो सब इन सब सेटिंग पे रिकॉर्ड आ रहा है. यस, तो यही सब चीज़ें हैं और आप इजीली इसको जो है NTSC से PAL में शिफ्ट कर सकते हैं और PAL से NTSC में जब भी आपको मन करे तब आप शिफ्ट कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी क्या इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए. और आप कभी जो है छेड़खानी करिए अपने NTSC और PAL से और हमें याद करिएगा, ज़रूर याद करिएगा. तो तब तक के लिए हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके वीडियो मोड्स में क्या क्या है और हमें क्या वीडियो मोड्स किस पर्पज़ के लिए रखना चाहिए. तो तब तक के लिए चलते हैं. मैं भी इससे खेल खेल के ही सीख रहा हूँ और मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि मैंने क्या कैसे खेल के सीखी हैं. तो अगली वीडियो का मेरा इंतज़ार करिएगा और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़. एंड शेयर तो बनता ही है फिर अगर सब्सक्राइब कर लिया है आपने. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स और मिलते हैं हम अगली वीडियो में. तब तक के लिए टाटा.